नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले महीने विरार के कनेर में एक बड़ी तोड़क कार्रवाई हुई थी और उस तोड़क कार्रवाई में कई लोग बेघर हो गए। महानगर पालिका प्रशासन ने तहसील प्रशासन के आग्रह पर वो कार्रवाई अंजाम दी। उस कार्रवाई में हमने कई बार सवाल उठाए कि आखिर इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार कौन, इस नुकसान की का जिम्मा किसका। जाहिर सी बात है, प्रशासन तो इसमें कटघरे में है ही है, लेकिन वो भूमाफिया भी इसमें अछूते नहीं है। अब इन्हीं के बीच की एक कड़ी और है, इन भूमाफिया और प्रशासन के बीच की एक कड़ी है। वो कड़ी है, एक नाम है वो हरेश्वर पाटिल। कहा जाता है कि हरेश्वर पाटिल जो है हर तरफ से कनेर फाटा में बनने वाले हर अनधिकृत बांध काम, इलीगल कंस्ट्रक्शन को संरक्षण देने के लिए ये पुल का काम करता है अवैध बांध काम विकासक और प्रशासन के बीच। इसके कई कारनामे सुनने में आए थे, यहां तक कि कनेर फाटा तोड़क कार्रवाई के समय इसको वहां से हटा भी दिया गया था। कुछ दिनों के लिए इसको हटा दिया गया था ताकि मामला ठंडा हो जाए। साथ ही साथ जो चाल माफिया है उनको लेकर मैंने आगे के वीडियो में सवाल उठाए थे, वो लोगों को भड़का रहे थे। वो मामला अभी तक वहीं का वहीं है। किसी एक के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही होने की जानकारी नहीं आई। लेकिन इसी बीच आज एक नई चीज सामने आई है, वो मैं बताने आया हूं। नई चीज है उसी कनेर के टोकरे गांव में, कनेर फाटा के टोकरे गांव में सर्वे नंबर 49 पर एक अनाधिकृत बांध काम को जो महानगर पालिका तोड़ने गई, तब क्या हुआ वो आप वीडियो में देखिए। वीडियो में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है सफेद कपड़ों में, ये वही शख्स है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हरेश्वर पाटिल। और ये सेटिंग बाज है, महानगर पालिका और अवैध निर्माणकर्ता के बीच सेटिंग करके अवैध निर्माण अंजाम देता है। ये खुद अवैध निर्माण करता नहीं है, लेकिन इसके बगैर अवैध निर्माण संभव ही नहीं है, ऐसी जानकारी हमारे सूत्रों से सामने आई। अब ये जो बांध काम है इस पर तोड़क कार्रवाई हो रही है, तो इसमें भी ऐसे कुछ जानकारी निकल कर आई है कि इस तोड़क कार्रवाई के पीछे कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की मलाई है प्रशासन को मिलने वाली, उसमें फर्क पड़ा और उसी का अंजाम यह भुगतना पड़ा कि इस हरेश्वर पाटिल अवैध बांध काम पर तोड़क कार्रवाई का बुलडोजर पहुंचा। जब तोड़क कार्रवाई का बुलडोजर पहुंचा तो हरेश्वर पाटिल खुद उस जगह पर पहुंचा और कार्रवाई को रुकवाने की पूरी पूरी कोशिश की उसने, उस अवैध बांध काम को तोड़ने से रुकवाने की कोशिश की। आप वीडियो में विजुअल में देख सकते हो, ये सफेद कपड़ों में हरेश्वर पाटिल जो है वो महानगर पालिका के इंजीनियर से बात कर रहा है और इंजीनियर को मनाने की कोशिश कर रहा है कि इस बांध काम को मत तोड़ो। जाहिर सी बात है, अगर महानगर पालिका किस तरह की कार्यवाही करती है तो वहां पर प्रशासनिक अमला होता है, लेकिन यहां इस कार्यवाही में कोई बहुत बड़ा अमला भी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी महानगर पालिका भी तोड़क कार्यवाही करने गई थी या अपना गुस्सा निकालने गई थी, ये आप समझ सकते हैं। बाद में फिर अवैध निर्माण बनकर तैयार हुआ और ये कनेर फाटा में 5000 स्क्वायर फीट का बांध काम फिर से बन चुका है। हरेश्वर पाटिल जो है यहां महानगर पालिका से विनती कर रहा है कि इस बांध काम को नहीं तोड़ो, कुछ तो करो। तो सवाल यह है कि जब महानगर पालिका प्रशासन कुछ सरकारी काम कर रहा है उसमें कोई तीसरा व्यक्ति आकर अगर हस्तक्षेप कर रहा है तो क्या उसके ऊपर मामला नहीं बनता है? क्या महानगर पालिका ने हरेश्वर पाटिल के खिलाफ कोई मामला दर्ज करवाया है? आमतौर पर महानगर पालिका में अगर कोई आम आदमी कोई समस्या लेकर जाए, महानगर पालिका प्रशासन तुरंत पुलिस प्रशासन को बुलाकर धारा 353 के तहत सरकारी काम में बाधा का केस करती है। वही महानगर पालिका ने हरेश्वर पाटिल के खिलाफ
किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। यह सीधे सीधे दर्शाता है कि किस तरह से महानगर पालिका और हरेश्वर पाटिल की मिलीभगत है। तो अब देखना यह है कि क्या इस सर्वे नंबर 49 पर बनने वाले अनाधिकृत गाले हैं उनको महानगर पालिका तोड़ने की हिम्मत दिखा पाएगी, या सिर्फ अपनी भ्रष्टाचार की मलाई में महानगर पालिका जो कमी रह गई उसके लिए ही तोड़ने जाएगी। ये सवाल है, आने वाले समय में इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। अभी के लिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786